I don't know what I want for my career. I don't know if I want this person. I don't know what to do. Can you relate to any of these questions? अक्सर ये सवाल हमारे मन में तब आते हैं जब हम या तो कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं या कुछ बहुत ज़्यादा कर चुके होते हैं और कुछ कंसिक्वेंस रिजल्ट हमें नहीं मिला होता एंड वी फील डायरेक्शनलेस, क्लूलेस एंड कंफ्यूज्ड। अगर आपको भी ऐसा लगता है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू फिगर आउट वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट। एंड इन द एंड ऑफ दिस वीडियो इन माई बोनस टिप आई गिव यू एन एक्सरसाइज टू प्रैक्टिस विच विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी to find out what is it that you want. So let's get started. जब आपका मन कहे कि you don't know what you want, then there are two possibilities. पहली possibility है that it is a lie. You heard me right, that it is a lie. You actually know what is it that you want. It's just that आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन आपको लगता है that you're not smart enough, good enough, or knowledgeable enough, और आप में वो शक्ति नहीं है कि आप उसको अचीव कर सकें. तो in this case, it is a lie. और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आप अचीव करना चाहते तो हैं, आपको पता है कि ये आपको चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात आती है, maybe I'm not good enough. इसलिए आप अपने मन को ये बताते हैं, नहीं मुझे तो पता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो तो अनअचीवेबल है, वो तो मैं कर ही नहीं सकता. अगर आपको ऐसा लगता है देन यू माइट बी गोइंग थ्रू इम्पोस्टर सिंड्रोम. इम्पोस्टर सिंड्रोम के बारे में मैंने एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया है, आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, गो एंड वॉच दैट वीडियो. दिस वॉज द फर्स्ट केस. नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकेंड पॉसिबिलिटी है यू एक्चुअली डू नॉट नो What is it that you want? So, हम find out करेंगे कि कैसे आपको पता चले कि आपको actually चाहिए क्या. इसके लिए आपको कुछ steps follow करने होंगे. तो सबसे पहला step जो आपको follow करना है to find out what is it that you want वो है pause for a moment. जी हाँ, pause for a moment. कभी आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी जो आगे की windscreen पर अचानक से कुछ आ जाए और आपकी पूरी windscreen को cover कर सके, क्या आप फिर भी गाड़ी कंटिन्यू करते रहेंगे चलाना? क्या आप चला पाएंगे? क्या आपको दिखेगा कि आपके आगे क्या है? आई एम श्योर नहीं दिखेगा. बिल्कुल वैसे ही हमारी लाइफ में जब हमें यही नहीं पता कि क्या चाहिए तो अपनी गाड़ी को आगे कैसे चला पाएंगे. तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप गाड़ी को रोकेंगे, गाड़ी से बाहर निकलेंगे, विंडस्क्रीन पर आई हुई चीज़ को हटाएंगे, फिर आप जब गाड़ी चलाएंगे ना तो आपको सामने का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नज़र आएगा. वैसे ही लाइफ में जब नहीं पता कि क्या चाहिए तो पहले हम रुकेंगे, we'll pause, we'll think कि हमें क्या चाहिए, and then फिर हमारी जो गाड़ी है वो crystal clear vision के साथ आगे बढ़ती रहेगी. So आपने जो भी आप कर रहे हैं you just have to take a break from that and give it a deep thought कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, मुझे क्या चाहिए, what is it that you know I would really like to do. आपके mind में बहुत सारे thoughts आएंगे, आने दीजिए. आप रोज़ इस बारे में सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचने को इसको importance दीजिए, because जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी. देर इज नो वन जो बाहर से आपको बता देगा यू नो यू शुड डू दिस, यू नो दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो ये तो आपको अपने ही अंदर से निकालना पड़ेगा. उसके लिए आपको पॉज करके, रुक करके, ब्रेक लेकर के डीप थॉट देना पड़ेगा. तो कुछ टाइम निकालिए इसके बारे में डीप थॉट सोचने का. सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू इज थिंक अबाउट इट, वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट. सेकेंड स्टेप दैट यू नीड टू डू इज List out different options and have a vision. Yes, list out different options and have a vision. अब करना क्या है कि आप जो भी सोच रहे हैं कि मुझे ये 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 चाहिए, this is what I want to do, this is what the kind of person that I'm looking for, तो आप उन सब चीज़ों को list कीजिए और हर एक option का आप big vision बनाइए, हर option का एक vision. और उस vision को जब आप सोचें तो आप देखिए कि क्या वो vision आपको एक्साइटमेंट देता है, क्या वो विजन आपको लगता है वाह आई एम गेटिंग दिस विजन, आई वांट टू लिव दिस विजन, आई एम डाइंग टू लिव दिस विजन, मुझे ये विजन जल्दी से जल्दी एक्चुअली लिव करना है. सो हर ऑप्शन के साथ का विजन अटैच कीजिए, हर ऑप्शन के साथ का विजन अटैच कीजिए. और जो विजन आपको एक्साइटमेंट ना दे, डल लगे, उसको हटा दीजिए. जो विजन थोड़ा कम डल लगे उसको हटा दीजिए. जो विजन थोड़ी कम एक्साइटमेंट दे उसको हटा दीजिए. जो विजन सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट दे एंड यू वुड do anything to live that vision is actually what you want to do. Yes, that vision is your dream. Now what you need to do is turn that dream
into your goal. So उसके लिए third step हमें क्या लेना है? Third step जो हमें लेना है वो ये है, जो vision बनाया है उसके लिए plan your actions. Yeah, third step is plan your actions. हमने सोच लिया, हमने vision बना लिया, अब जो हमने vision बनाया, जो goal बनाया है उसके लिए actions बनाने हैं. Because बिना actions के अगर हम सोचेंगे तो वो जो goal है वो dream रहेगा, बस ख्वाब रहेगा, जो आप सोते हुए या जागते हुए देखते रहेंगे लेकिन वो कभी सच नहीं हो पाएगा, because उसके लिए आप कदम नहीं बढ़ा रहे. तो आपने actions plan करने हैं कि मुझे अगर ये मेरा goal है, सबसे पहले आपने देखना आप कितने समय में उसको अचीव कर सकते हैं, एक साल में, दो साल में, पांच साल में, कितने साल में आप इस विजन को अचीव कर सकते हैं. तो वो साल आपने या टाइम जो है आप उसको रखने के बाद आज आप उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए क्या करेंगे, बिकॉज नथिंग हैपेंस ओवरनाइट. अगर कोई चीज एक साल में भी अचीव करनी है तो उसको हमें क्वार्टरली, डेली, मंथली के बेसिस पे देखना पड़ेगा कि हमें रोज क्या करना है ताकि हम उस तरफ, उस डायरेक्शन में पहुंचते चले जाएं. जब हम एक बहुत लंबी जर्नी भी लेते हैं ना, अगर वो जर्नी मान लीजिए 18 घंटे की है, 24 घंटे की, तो हम हर सेकेंड, हर मिनट उस डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, तभी हम 18 घंटे, 24 घंटे के बाद उस डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज plan your actions on an yearly, quarterly and monthly basis and daily basis ke aapne ye actions lene hain to achieve your goal. Fourth step is have a mentor. Ji haan, seek a mentor jisse aap guidance le sake. Kya aapko pata hai sab successful logon ke paas ek na ek mentor hota hai, because jo mentor hota hai wo guide hota hai, wo aapko help karta hai jab jab aap confused hote hain, demotivated hote hain, tired feel karte hain aur aapko lagta hai goal unachievable hai, tab aapka mentor hi hai aapko jo aapko chalte rehne deta hai, jo aapko motivation deta hai, jo aapko clarity deta hai aapke thought pattern mein, jo aapke best interest mein soch kar आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. सो डू फाइंड अ मेंटोर. इट कुड बी अ प्रोफेशनल मेंटोर, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी एनी सीनियर दैट यू लुक अप टू, इट कुड बी एनी टीचर दैट यू लुक अप टू, बट अ मेंटोर इज अ मस्ट, बिकॉज मेंटोर कैन सी वॉट यू कैन नॉट सी. वेन यू गो इन सेल्फ डाउट, देन मेंटोर कैन इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन यू. सो दिस वॉज द फोर्थ स्टेप. सो आपने ये चार स्टेप लेने हैं टू फाइंड आउट वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट. और अब बारी आती है हमारे बोनस टिप की. सो बोनस टिप में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ. आप जब इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे तो उस एक्सरसाइज से आपको हेल्प मिलेगी और ज़्यादा क्लैरिटी गेन करने के लिए कि आपको क्या चाहिए. सो इस एक्सरसाइज में आपने क्या करना है कि आपने जो है लिस्ट करने हैं उन लोगों के नाम जिनसे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, इम्प्रेस्ड हैं, और जो आपको लगता है कि आपके आइडियल हैं. वो कुछ भी हो सकते हैं, आपकी फील्ड के हो सकते हैं, सोशल फील्ड से हो सकते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ऑथर्स हो सकते हैं, एनी वन पर्सन और लॉट ऑफ पर्सन इफ यू वॉन्ट, जो जिनसे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं. जब आपने उन लोगों के नाम लिख लिए, फिर आप देखिए उनकी जर्नी के बारे में पढ़िए, उनकी कैसे वो वहाँ तक पहुँचे इस बारे में पढ़िए. जब आप इस बारे में पढ़ेंगे कि आज जो जिस मुकाम पर वो है, वो एक्चुअली कहाँ से, किस जर्नी से, किस डिफ़िकल्टी से होकर वहाँ पहुँचे हैं, तो फिर आपको लगेगा कि आप भी कहीं ना कहीं इसी रास्ते पर हैं. फिर आपको अपना गोल अनअचीवेबल नहीं लगेगा. फिर आपको ये जो सक्सेसफुल लोग हैं ये ऐसे नहीं लगेंगे कि ओवरनाइट हुए हैं. इनकी लाइफ में भी इन्होंने कमिटमेंट, परसेवरेंस, मेहनत, हार्डवर्क से चलते 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 वहाँ तक पहुँचे हैं. फिर आपको लगेगा हाँ, मैं भी कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच सकता हूँ अगर मैं ये सारे ट्रेड्स अपनाऊँ तो, अगर मैं हार्डवर्क करूँ तो, अगर मैं कमिटेड रहूँ तो, अगर मैं हार ना मानूँ तो, लगा रहूँ तो. तो आपने जब आप उन सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को देखेंगे तो आपको अपनी जर्नी भी थोड़ी आसान लगेगी, थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन पॉसिबल ज़रूर लगेगी. सो यू मस्ट डू दिस एक्सरसाइज. मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको अब थोड़ी सी क्लैरिटी आई दैट वॉट इज इट दैट यू वॉन्ट. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.